मेरी मूवीज़ के नेम गोताखोर, डैम ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड हिल्स हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो इसलिए रखवाई है क्योंकि हमारी एक न्यू मूवी आ रही है जिसका नाम है महाकाल नगरी, जिसके निर्देशक हैं संजीव कुमार राजपूत, जिन्होंने पहले भी बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में की हैं, 5 से 8, जिनमें से उनकी सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है हॉन्टेड हिल्स। इस मूवी में मुख्य कलाकार के रूप में आपको मैं ओमकार शर्मा और मेरे साथ मेरे और कलाकार जैसे कि साजी चौधरी, जिन्होंने पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ एक अहम भूमिका निभाई है, और मिर्जापुर में भी उन्होंने मकबूल के रूप में काफ़ी सारा फेम कमाया है। और इस फिल्म में आपको काफ़ी सारा सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलेगा कि कैसे एक आम आदमी आतंकवादियों को ख़त्म करता है महाकाल का भक्त होके। और इस मूवी को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने की तैयारी है। सबसे पहले इसको थिएटर्स में लेके आएंगे, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, MX Player पे भी इसको लॉन्च करने की तैयारी है। इस मूवी में मेरा किरदार हीरो के छोटे भाई का रहेगा, जो कि मुख्य रूप से एक अच्छी भूमिका रहेगी। संदेश यही है कि कैसे एक आम आदमी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसको महाकाल का भक्तों के पूरे आतंकवाद को वो ख़त्म करने पर उतर आता है। इस मूवी की शंस जैसे बॉम्बे, चंडीगढ़, नैनीताल जैसी जगह पर ये मूवी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका रिलीजिंग प्लान दिसंबर के एंड में है। टाउन चरखी दादरी है। मेरी शुरुआत की बात करूँ तो थिएटर मैंने कभी किया नहीं, सीधा मैं बॉम्बे गया था। बॉम्बे मैंने अपने ऑडिशंस दिए, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। डेब्यू किया था मैंने गोताखोर मूवी में एक डॉक्टर के किरदार में, और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऑडिशन दिए। कई बार मुझे रिजेक्ट भी कर दिया गया, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं अपने ऑडिशन देता गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 मूवीज़, 1 TV सीरियल लव एंड वॉर, जो MTV पे स्ट्रीम आप स्ट्रीम कर सकते हैं MTV पे, और भी काफ़ी सारे मतलब Amazon शूट, 50+ ब्रांड लाइक बोट, लिनन क्लब, और भी बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ मैं काम कर चुका हूँ। जहाँ भी आज मैं पहुँचा हूँ, सब मेरे होम डैड को मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत मैंने TikTok से की थी। TikTok पे मेरे 1 मिलियन कुछ फॉलोअर हुए, फिर उसके बाद TikTok बैन हो गया। उसके बाद मेरे को काफ़ी क्रिटिसाइज आने को मिला कि अब क्या करेगा, ये करेगा, बट उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैं बॉम्बे गया। मैंने जैसे आपको बताया, फिर अच्छा लोग हैं इस लाइन में हुए। मेरी उम्र 21 साल है। हाँ बिल्कुल, अपने जो अगर अपना खुद का शहर है उसको आगे बढ़ाने का तो मेरा सपना है। और आगे के प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा सिलेक्शन डेथ वॉरेंट वेब सीरीज़ में हो चुका है, जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जिन्होंने कबीर सिंह में मेन एक्ट्रेस के रूप में फेम पाया है, उनके साथ मेरा वक्त हो चुका है। आपको मैं किरदार तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि उसको मेरी परमिशन नहीं है। बात करूँ तो हरियाणा में भी मैंने 2 मेन लीड में सॉन्ग किए हैं, इंग्लिश का और एक तरह। संस्कृति को लेके भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ शुरू करें, डिस्कशन चल रहा है सर के साथ, जैसे कि अपने हरियाणा के कलाकार यशपाल शर्मा, उनके साथ भी बातें हुई हैं, जल्द ही हम कुछ बड़ा लेके आएंगे, मिल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके लिए हर फील्ड में, हर कहीं ना कहीं, हर जगह, क्योंकि विद हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस।